Subscribe to Shimaru Good Health 24/7 and hit the bell icon to stay fit and healthy. दोस्तों, गर्भावस्था का छठा महीना शुरू होने का मतलब है कि दूसरी तिमाही खत्म होने में केवल एक महीना बचा है। हर माह की तरह इस बार भी गर्भवती को नए अनुभव देखने को मिलेंगे। कुछ अनुभव अच्छे होंगे तो कुछ परेशानियां बनकर सामने आएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गर्भावस्था के छठे महीने यानी कि 21वें सप्ताह से 24वें सप्ताह की बात करेंगे। इस दौरान होने वाली परेशानियां व सावधानियां से लेकर खान पान और व्यायाम तक सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नजर आने वाले प्रमुख लक्षणों की। पहला, एडिमा यानी कि सूजन। तो दोस्तों, गर्भावस्था के छठे महीने के आसपास आपको पैरों, टखनों और हाथों पर सूजन दिखाई दे सकती है। इसे एडिमा कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में टिश्यू के भीतर तरल पदार्थ बनना शुरू होता है ताकि आपको और आपके बच्चे को पोषण मिल सके। श्रोणि पर दबाव में वृद्धि और एड़ियों, पैरों व हाथों में सूजन एडिमा के कारण ही होती है। हल्की सी सूजन सामान्य है और ये गर्भावस्था से जुड़ा एक आम लक्षण है। दूसरा, उपज की समस्या। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान कब्ज होना एक आम समस्या है। आपको बता दें कि गर्भाशय बढ़ने के कारण पेट के निचले भाग पर दबाव पड़ता है और अपच की समस्या होने लगती है। इस समस्या से बचने के लिए फाइबर युक्त भोजन के साथ साथ भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। अगर तब भी कब्ज ठीक नहीं होती है तो डॉक्टर दवाइयां देते हैं जिसे थोड़े समय के लिए लेना ही बेहतर होता है। तीसरा, ज्यादा भूख लगना। बच्चे के विकास में पोषक तत्वों की जरूरत होती है, यही कारण है कि आपको सामान्य से अधिक भूख लगती है। आपको अक्सर भूख महसूस होगी। संभव है कि इस दौरान आपका जंक फूड खाने का दिल करे, लेकिन खुद पर नियंत्रण रखें और ऐसा भोजन करें जो आपके व आपके शिशु के लिए फायदेमंद हो। चौथा, खर्राटे आना। दोस्तों, ये गर्भावस्था के आम लक्षणों में से एक है। वजन बढ़ना भी खर्राटों का कारण हो सकता है क्योंकि सिर और गर्दन के चारों ओर टिश्यू सूख जाते हैं जिससे खर्राटों की समस्या शुरू हो जाती है। गर्भावस्था के दौरान कुछ मामलों में खर्राटे मधुमेह का संकेत हो सकते हैं जिसके बारे में डॉक्टर मासिक रक्त और मूत्र परीक्षण से पता लगा सकते हैं। पांचवा, पीठ दर्द की समस्या। ये गर्भावस्था के सबसे आम लक्षणों में से एक है। प्रसव के लिए शरीर को तैयार करने के लिए हार्मोन श्रोणि क्षेत्र और मांसपेशियों को ढीला करते हैं। बच्चे का वजन और बढ़ता गर्भाशय आपके पेट को आगे बढ़ाता है जिस कारण पीठ में दर्द की समस्या होती है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं प्रेगनेंसी के छठे महीने में शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक आपका काफी वजन बढ़ गया होगा। इस दौरान गर्भाशय आमतौर पर पेट के ऊपर एक इंच या उससे अधिक तक बढ़ता है। इसके कारण आपकी नाभि बाहर की ओर निकली हुई दिखने लगती है। डिलीवरी के बाद कुछ हफ्तों तक ये इस तरह बनी रहती है, लेकिन कुछ समय बाद में ये अपनी स्थिति में वापस आ जाती है। और एक बात, छठे महीने में मसूड़ों से खून आने की समस्या बनी रहती है। अगर ये समस्या ज्यादा हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। दोस्तों, गर्भाशय बढ़ने से पेट के निचले हिस्से में खिंचाव होने लगता है। इस वजह से उस भाग में खिंचाव के निशान पड़ सकते हैं जिस वजह से आपको असहजता महसूस हो सकती है। तो दोस्तों, इस दौरान शिशु तक पर्याप्त पोषण पहुंचाने के लिए रक्त की तेज आपूर्ति होती है। इस कारण कभी कभी गर्भवती के निचले हिस्से जैसे पेट के नीचे और जांघों पर नसें उभर आ सकती है। बढ़ते रक्त संचार के कारण हाथ पैरों पर प्रभाव पड़ सकता है जिस वजह से हाथ पैरों में कड़ापन आ सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं गर्भावस्था के छठे महीने में बच्चे का विकास और आकार के बारे में। गर्भ में बच्चे के विकास को महसूस करना सबसे सुखद अनुभव होता है। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है उसकी हलचल शुरू हो जाती है। गर्भ में बच्चे की हलचल उसके आने की उत्सुकता को और बढ़ा देगी। आइए आपको बताते हैं छठे महीने में शिशु का विकास किस तरह से होता है। पहला, इस दौरान न केवल बच्चे का वजन बल्कि लंबाई भी बढ़ती है। दूसरा, त्वचा के नीचे बने रक्त वाहिकाओं की वजह से शिशु की त्वचा गुलाबी हो जाती है। तीसरा, फेफड़ों के परिपक्व होने में अभी समय है। चौथा, इस समय बच्चा बहुत सक्रिय होगा और जल्द ही बाहर की आवाजों पर प्रतिक्रिया देगा। इस महीने के अंत तक बच्चे की उंगलियां और नाखून विकसित होते हैं और अल्ट्रासाउंड के माध्यम से दिखाई देते हैं। पांचवा, संभव है कि अल्ट्रासाउंड में आपको बच्चा अंगूठा चूसता दिखाई दे। छठा,
इस महीने के अंत तक शिशु का सिर शरीर के अन्य अंगों के मुकाबले अब भी बड़ा होता है। और सातवां, छठे महीने के अंत तक शिशु का वजन 900 ग्राम के करीब और उसकी लंबाई 12 इंच के आसपास हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं गर्भावस्था के छठे महीने में देखभाल के बारे में। ध्यान रखें कि अब आप एक ऐसे पड़ाव पर हैं जिसमें आपका शिशु बाहरी गतिविधियों को भी महसूस और सुन सकता है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि आप एक अच्छे वातावरण में रहें। चिंता व परेशानी आप दोनों की सेहत के लिए सही नहीं है। गर्भावस्था के छठे महीने में आपको अपनी दिनचर्या से लेकर खान पान तक का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा बताए गए खान पान को अपने भोजन में शामिल करना होगा। आपको छठे महीने के दौरान और ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं गर्भावस्था के छठे महीने में कौन सी आहार आपके लिए सेहतमंद है। स्वस्थ गर्भावस्था के लिए स्वस्थ खान पान बेहद जरूरी है। आप क्या खाती है, क्या पीती है, उसका सीधा असर आपके गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए आप जो भी खाएं पौष्टिक खाएं। हो सकता है कि आपकी खाने की पसंद में कुछ बदलाव हो। इस दौरान आपको वो पसंद आ सकता है जो आपको पहले पसंद नहीं था। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पानी लें और जल्दी पचने वाला भोजन खाएं। अब ध्यान से सुने दोस्तों कि गर्भावस्था के छठे महीने में क्या खाएं। पहला, संतरे भरपूर मात्रा में खाएं। इसमें विटामिन सी और फाइबर होता है जो माँ और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद है। दूसरा, विटामिन सी की आपूर्ति के लिए ब्रोकली, टमाटर, दूध, खजूर व मुनक्का का सेवन फायदेमंद होगा। तीसरा, रात में भोजन ऐसा करें जिसे पचाने में मुश्किल ना हो। चौथा, इस अवस्था में कब्ज होना आम है तो इससे निपटने के लिए फाइबर युक्त आहार का सहारा लें। और पांचवा, इस महीने के दौरान आयरन की कमी होने की आशंका सबसे ज्यादा होती है, इसलिए आयरन समृद्ध खाद्य पदार्थों के साथ साथ कुछ आयरन के अनुपूरक ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं गर्भावस्था के छठे महीने में क्या नहीं खाएं। तो दोस्तों, कई गर्भवती महिलाओं को अचानक ऑयली फास्ट फूड खाने का मन करता है, लेकिन इस दौरान ये चीजें खाने से बचें। इनके सेवन से चिड़चिड़ापन व थकावट का सामना करना पड़ सकता है। उच्च मरकरी वाली मछली, कच्चे अंडे व कच्चा मांस बिल्कुल ना खाएं। ये भ्रूण के विकास में बाधा पहुंचाते हैं। दोस्तों, गर्भावस्था में सॉफ्ट चीज खाने से बचें, क्योंकि इसमें इस्तेमाल किया गया दूध पॉस्चराइज्ड नहीं होता है, जिससे गर्भवती को भोजन विषाक्तता हो सकती है। अब बात करते हैं गर्भावस्था के छठे महीने में व्यायाम के बारे में। दोस्तों, व्यायाम हर किसी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। बात रही गर्भावस्था की, तो इस दौरान व्यायाम करना सेहत और शिशु के लिए फायदेमंद है। गर्भावस्था में नियमित रूप से व्यायाम करना फायदेमंद होता है। इसके अलावा सांस संबंधी व्यायाम जैसे अनुलोम विलोम करना चाहिए। आगे हम आपको गर्भावस्था के छठे महीने के दौरान किए जाने वाले व्यायाम के नाम बता रहे हैं। पहला, किगल व्यायाम। गर्भावस्था के दौरान किगल व्यायाम करना फायदेमंद हो सकता है। इससे श्रोणि भाग की मांसपेशियां मजबूत होती है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान मूत्र ना रोक पाने की समस्या से भी आराम मिलता है। दूसरा, चेयर पोज। दोस्तों, चेयर पोज को उत्कष्टासन भी कहा जाता है। इससे टखनों, जांघों और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। ये आसन गर्भावस्था के लिए फायदेमंद माना जाता है। तीसरा, जॉगिंग करना। गर्भावस्था में जॉगिंग करना फायदेमंद माना जाता है, लेकिन इसे करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि आप खुद को बिल्कुल भी थकाएं नहीं। धीरे धीरे जॉगिंग करें और हमेशा अपने साथ किसी परिवार के सदस्य को रखें। दोस्तों, एक बात नोट कर लें, अगर आप ये व्यायाम व योग पहली बार कर रही हैं तो किसी ट्रेनर की देखरेख में ही करें। चलिए अब बात करते हैं छठे महीने में गर्भावस्था के दौरान कुछ स्कैन्स और परीक्षणों के बारे में। गर्भावस्था का छठा महीना यानी दूसरी तिमाही के आखिरी महीने में सही खानपान के साथ साथ नियमित रूप से चिकित्सीय जांच करवाना भी बहुत जरूरी होता है। इसमें ये पता लगाया जाता है कि शिशु का विकास ठीक से हो रहा है या नहीं। इस दौरान गर्भवती का ब्लड प्रेशर, गर्भाशय का माप व वजन जैसे सामान्य टेस्ट किए ही जाते हैं। इसके अलावा आपको बताते हैं छठे महीने में और क्या क्या जांच की जाती है। पहला, यूरिन टेस्ट। शुगर और प्रोटीन का स्तर जांचने के लिए यूरिन टेस्ट किया जाएगा। दूसरा, गर्भवती मधुमेह की जांच। दोस्तों, इस महीने में मधुमेह की समस्या होना आम है। गर्भावस्था में होने वाली शुगर को गर्भवती मधुमेह यानी कि गेस्टेशनल डायबिटीज कहा जाता है। इसकी जांच के लिए पहले आपको ग्लूकोज वाला पानी पिलाया जाएगा, फिर रक्त का नमूना लिया जाएगा। इसे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहा जाता है। तीसरा, अल्ट्रासाउंड। वहीं बच्चे के विकास की जांच के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इसमें आप बच्चे की गतिविधि व उसका विकास देख पाएंगी।
चलिए अब बात करते हैं गर्भावस्था के छठे महीने के दौरान सावधानियों के बारे में, क्या करें और क्या नहीं। दोस्तों, सावधानियां आने वाली बड़ी बड़ी समस्याओं से बचा लेती है। रही बात गर्भावस्था की, तो इस दौरान भी आपको तमाम सावधानियां बरतने की जरूरत होती है ताकि होने वाले बच्चे और माँ को किसी तरह की परेशानियां ना हो। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि छठे महीने के दौरान क्या करें और क्या ना करें। पहला, चूंकि अब बच्चे के आने में कुछ ही महीने बचे हैं, तो अब आप अपने बच्चे का नाम सोचना शुरू कर दें। दूसरा, अगर अभी तक गर्भावस्था के कपड़े नहीं खरीदे हैं, तो बाजार जाकर ले आएं। ढीले ढाले कपड़े पहने जो आपको आराम पहुंचाएंगे। तीसरा, डिलीवरी के लिए अस्पताल में पहले से ही पंजीकरण करा लें ताकि समय आने पर किसी तरह की समस्या ना हो। चौथा, इस दौरान आपको शरीर में दर्द की समस्या रह सकती है, इससे राहत पाने के लिए गुनगुने पानी का स्नान कर सकती हैं। पांचवा, ये समय है अपने परिवार के साथ समय बिताने का। बेबी के आने से पहले कुछ और खुशी के पल घर वालों के साथ बिताने से आपको और अच्छा महसूस होगा। और छठा, आप बिल्कुल भी तनाव ना लें, हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखें और खुशी के साथ अपने आने वाले बच्चे के स्वागत की तैयारियां करें। चलिए अब जानते हैं गर्भावस्था के छठे महीने के दौरान कुछ चिंताओं के बारे में। जैसे जैसे गर्भावस्था का समय बढ़ता जाएगा, हर महीने कुछ न कुछ अलग अलग अनुभव होते रहेंगे। सभी अनुभव अच्छे हो ऐसा जरूरी नहीं है। बात की जाए छठे महीने की, तो इस दौरान कुछ अन्य समस्याएं भी आती है जो कि इस प्रकार है। पहला, अनिद्रा की समस्या। इस महीने में गर्भवती महिला को अनिद्रा की परेशानी होना आम है। ज्यादातर ये समस्या रात को बार बार पेशाब जाने की वजह से होती है। जब बढ़े हुए गर्भाशय के कारण मूत्राशय पर दबाव पड़ता है तो बार बार पेशाब आता है। इसके अलावा रात में जब शिशु किक मारता है तब भी गर्भवती की नींद टूट जाती है। दूसरा, शरीर में दर्द। जैसे जैसे गर्भावस्था का समय बढ़ेगा, आपको शरीर में दर्द रहने की समस्या बढ़ सकती है। ये दर्द गर्भाशय के बढ़ने के कारण होता है। इस दर्द को राउंड लिगामेंट दर्द कहा जाता है। और तीसरा, हाथ पैरों में झनझनाहट। दोस्तों, गर्भावस्था के छठे महीने में रक्त संचार बढ़ने के कारण आपके हाथों और पैरों में झनझनाहट होने की समस्या हो सकती है। ये ज्यादातर उन महिलाओं के साथ होती है जो ऑफिस में काम करती हैं। लगातार कंप्यूटर पर काम करने से हाथों में झनझनाहट होती है। इस समस्या से बचने के लिए आप बीच बीच में अपने हाथों को आराम देती रहें। चलिए अब जानते हैं होने वाले पिता के लिए कुछ टिप्स। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गर्भावस्था न सिर्फ एक महिला के लिए वरदान है बल्कि होने वाले पिता के लिए भी किसी उपहार से कम नहीं है। इसलिए ऐसे में उन्हें गर्भवती को हौसला देने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जैसे जैसे डिलीवरी का समय नजदीक आता है, महिला की घबराहट बढ़ती जाती है। ऐसे में पति होने के नाते आप प्रसव के लिए मानसिक रूप से अपनी पत्नी को तैयार करा सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर से सही समय पर जांच करवाना आपकी जिम्मेदारी होती है। अब नजर डालते हैं कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवालों पर। तो पहला सवाल है, क्या गर्भावस्था के छठे महीने में यात्रा करना सुरक्षित है? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। अगर आपको किसी तरह की चिकित्सीय समस्या नहीं है तो दूसरी तिमाही के दौरान यात्रा करना सुरक्षित है। हालांकि एक बार यात्रा करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। और दूसरा सवाल, क्या गर्भावस्था के दौरान बवासीर हो सकती है? तो दोस्तों, इसका जवाब है गर्भावस्था में कब्ज की समस्याएं होना आम है। अगर ये समस्या ज्यादा बढ़ जाती है तो बवासीर की परेशानी लगती है। इससे बचने के लिए जितना हो सके फाइबर युक्त खाना खाएं और दिन में 8-10 ग्लास पानी जरूर पिए। समस्या ज्यादा बढ़ने पर डॉक्टर से संपर्क अवश्य करें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि गर्भावस्था के छठे महीने से जुड़ी जरूरी बातें आपको पता चल गई होंगी। आज का हमारा वीडियो यहीं हुआ समाप्त। अगर इससे जुड़ी कोई भी आपके मन में प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों और खास करके जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उन तक जरूर फैलाएं ताकि उनके बच्चे भी पुष्ट और स्वस्थ पैदा हो सके। वीडियो को पहली बार देखने वालों के लिए एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको ऐसे ही और भी अपडेट्स देते रहें।